जैन साथियों, कैसे आप सब? मैं स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में एसएसबी हेड कॉन्स्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में गाइस कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। फ्रेंड्स, आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है और फ्रेंड्स आपको सैलरी पर मंथ कितनी मिलती है इसमें, और आपकी ड्यूटी लोकेशन क्या होती है, आपको क्या काम करना पड़ता है, हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं कजा समय नाम लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स के जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब ये दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है, इसमें आपको अगर आप इसमें लग जाते हो आपका लग समझिए, क्योंकि इसमें आपकी सैलरी काफी अच्छी होती है। बेहद हद तक आपको मतलब काफी अच्छी सैलरी मिलती है इसमें। और जॉब के बारे में अगर बात करूँ, जो भी हमारे बॉर्डर होते हैं, जैसे कि नेपाल बॉर्डर है, वहाँ पे आपकी ड्यूटी आती है। जो भी मतलब बॉर्डर एरिया होते हैं वहाँ पे आपको ये ड्यूटी करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर इसमें और जॉब की इसमें बात करूँ मैं, आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका ओनली काम होता है हेड कॉन्स्टेबल की पोस्ट में काम होता है आपका ओनली ऑफिस का। आपसे ये नहीं कि आपको बाहर कहीं खड़ा कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपका एसएसबी हेड कॉन्स्टेबल कम्युनिकेशन में आपका ओनली काम होगा कंप्यूटर पे, या फिर ये मान ली ऑफिस लेवल का आपसे काम लिया जाएगा, वहां से ऑफिस में आपसे काम करवाया जाएगा। जो भी आपसे मतलब कोई भी कॉन्टेक्ट आते हैं वहां से आपको कहीं और मतलब भेजना, या फिर कोई टेलीफोन वगैरह वगैरह जो भी आते हैं उनको आपकी कोई बात है वो आपको कहीं और पहुंचानी, ये सब आपके कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। आपको ये नहीं कि कहीं बाहर क्या कहते हैं गन लेके आपको खड़ा होना है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हेड कॉन्स्टेबल मतलब मिनिस्ट्रियल की पोस्ट होती है इसमें। एसएसबी हेड कॉन्स्टेबल कम्युनिकेशन में आपका जो भी इसमें काम होगा वो ओनली ऑफिस लेवल पे होगा, आपको बाहर जॉब नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपकी जो ये जॉब लोकेशन होगी गाइस, ये भी नेपाल के बॉर्डर पे, फिर बॉर्डर के जो एरिया होते हैं वही पे आपकी जॉब लोकेशन इसमें होगी, ठीक है। अगर मैं इसकी सैलरी के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, इसमें आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी है। सैलरी को लेके मान लीजिए कई स्टूडेंट तो ऐसे जो सिर्फ जो इसको सैलरी को लेके ही मतलब इसमें ज्यादा ज्वाइन होते हैं, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी दी जाती है इसमें। आपकी सैलरी मान के चलो आप कम से कम 25 से 30 हज़ार आपके स्टार्टिंग में आपकी सैलरी होती है, 25 से 30 हज़ार आपकी सैलरी स्टार्टिंग में इसमें होती है। और बाकी आगे बढ़ के इसमें आपकी सैलरी कम से कम 70 या 1 लाख तक समथिंग आपकी सैलरी इसमें जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इसमें, और आपके लिए बहुत ही फायदा। अगर आप इस जॉब भी को ज्वाइन करते हो तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो पीछे फॉर्म भरे गए थे एसएसबी हेड कॉन्स्टेबल में 872 पोस्ट थी जो, उनकी अभी जो ज्वाइनिंग मतलब हो गई है शायद, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन जिन मेरे फ्रेंड्स का इसमें काम बना है उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, एंड हमेशा हैप्पी रहिए और अपनी जॉब को अच्छे से कीजिए, आपका प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा। जो मेरे फ्रेंड्स इसके प्रमोशन की वीडियो का वेट कर रहे हैं, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किसी प्रमोशन के ऊपर एक वीडियो चाहते हो नहीं चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मैं आपके लिए अलग से बेहतरीन वीडियो बना दूंगा स्पेशल प्रमोशन के लेके, कि आपका प्रमोशन इसमें कैसे होता है, तो उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, प्लीज मुझे बता दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपकी वीडियो ओनली इसकी जॉब प्रोफाइल और सैलरी के ऊपर थी, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि मैं अपनी जो बेहतरीन वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि आपके वीडियो लाइक करने से मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है भाई, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो मेरे भाई मेरी वीडियो को लाइक कर दे। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच, आज वीडियो दोस्तों इतना ही।